ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लियो साइन, यानी कि सिंह राशि के लिए, जिसमें हम देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं। एंड यस, अगर आप डेली टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड फॉर ऑल अदर रीडिंग्स एंड अपडेट्स आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट और देखते हैं आप लोगों के लिए लियो ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। लियो, आई थिंक इट्स अबाउट कुछ के लिए तो इट्स अबाउट लाइक आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन रिलेशनशिप, गिविंग फैमिली टाइम, या यू नो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट थिंकिंग, प्लानिंग, कुछ यू नो इन्वेस्ट करना है। मे बी घर ले रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं इन समथिंग, और इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग योर टाइम इन फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। अच्छा, कुछ के लिए इट्स अबाउट अ न्यू रिलेशनशिप लियो, ठीक है? कि अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया रिलेशनशिप आ सकता है आपकी तरफ इस हफ्ते। सो या मैसेज और एनी थिंग यू नो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, बट येस न्यू एनर्जी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड येस ऑफकोर्स हो सकता है कोई शादी का मसला है या कुछ है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस है। मे बी हो सकता है कि इट्स अबाउट कि जस्ट यू नो इनिशियल स्टेज है, बात चल रही है, कनेक्टिविटी हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है दे आर फोर्स्ड अपॉन टू यू नो लाइक कि रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना, वो चीज़ है। बट अंदर से कोई परेशान है या उदास है, और मे बी देर इज़ समथिंग लाइक दैट, शायद ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? और मे बी इट्स अबाउट मैरिज, और आपके जो पार्टनर है वो इतना कोऑपरेटिव नहीं है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग। और इनका नेक्स्ट मूव आई थिंक स्टिल समबडी विल पुट एफर्ट, मुझे ऐसा लगता है कि एफर्ट्स पुट करेंगे ये पर्सन, एंड विद पेशेंस हो सकता है कि रिलेशनशिप आगे ग्रो करे और निखरे। ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। सो इट्स अ गुड एनर्जी दो, ठीक है लियो? काफ़ी टाइम के बाद शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ चीज़ें ठीक हो। ओके, यस, देयर इज़ नॉट इनफ। मुझे लगता है कि यस कुछ चीज़ें मिसिंग है और आपको उन पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे अनरिक्वाइटेड लव आ रहा है और अट्रैक्शन और केमिस्ट्री की कमी आ रही है आपके रिलेशनशिप में। सो मे बी वो चीज़ें हैं। वेरी सून थिंग्स विल गेट बेटर बिटवीन बोथ ऑफ यू एंड वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है? सो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशन ऐसी हैं, आई थिंक स्टे ऑप्टिमिस्टिक। तो आपके एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि जस्ट स्टे देयर, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, हैंग ऑन जिसे कहते हैं। तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। चलिए और देखते हैं अब आपके करियर के बारे में। फॉर ऑल द लियो, करियर वाइज लियो के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? करियर वाइज इट्स अबाउट टेकिंग स्टेप, अ न्यू लीप ऑफ फेथ, और आप हार नहीं मान रहे हैं, चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे लेटली कुछ चीज़ें पास्ट में अच्छी ना हो, ठीक है, या हार्ट ब्रोकन है, बट अब एक नए तरीके से शुरू कर रहे हैं, नया नज़रिया, नया विजन, जो भी कह लीजिए। और क्या आपका वो जो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं क्या वो आपको फ्रूटफुल होगा? येस, बिकॉज वी हैव द हायरोफेंट। इसका मतलब है आंसर्ड प्रेयर। इसका मतलब यही है कि आप जो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं आपको उसका फल मिलेगा, एंड समबडी इज़ यू नो वॉचिंग ओवर यू, दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड एनर्जी फॉर लियो। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है लियो के लिए, चाहे आपकी लव लाइफ है या करियर। ये हफ्ता आई थिंक अच्छा जाने वाला है आप लोगों के लिए लियो। सो गाइडेंस क्या है? और राइज अप, ठीक है? और अपने आप को ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, चाहे जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंजल्स आर विद यू। एंड मोर ओवर कॉन्शियसनेस, इसका मतलब यही है, स्टे हैप्पी, ट्राई टू बी एज काम एज पॉसिबल, और एवरीथिंग इज़ इनसाइड अराउंड यू ओनली, विद इन यू ओनली। इट्स जस्ट दैट कि शायद हो सकता है कि आप इतना बिजी हैं कि परेशानी में हो जाता है ना इंसान कभी, तो आप इतना ज़्यादा बिजी हैं प्रॉब्लम्स को काउंट करने में कि जो चीज़ें अच्छी हैं उनको काउंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? या आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर सफरिंग, सो उस चीज़ में से बाहर निकलिए, ठीक है? और
यस लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स या जो भी कुछ है उसमें से स्ट्रांग बन के बाहर निकलिए. सो दिस इज़ वट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लियो. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर. अपना ख्याल रखिए.